हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो आप देख सकते हैं फैन है, और इस फैन का अलाइनमेंट करना है हमको, जो कि ऑलरेडी इसका लेवलिंग वगैरह कर दिया गया है, यह वाटर लेवल में है दोस्तों, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो है यह बॉल बेयरिंग है, यहाँ पे एक बॉल बेयरिंग लगा हुआ है, एक यहाँ पे बॉल बेयरिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे जो इसका कपलिंग है वो ग्रिड स्प्रिंग कपलिंग है, ठीक है दोस्तों, यह ग्रिड स्प्रिंग कपलिंग है, और यह जो है मोटर है, और उसका इम्पेलर है और फैन है दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करेंगे अलाइनमेंट के ऊपर, जो कि अभी हमको यह मिला है, अलाइनमेंट करना है इसका, और रेडियल अलाइनमेंट है, और इसका जो है इसका जो गैप है उसको फिलर गे से मेंटेन करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका गैप रखना है हमको, ये जो देख रहे हैं फिलर गेज में 0.85 का गैप मेंटेन करना है। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि कितना कितना डिग्री पे इसको मतलब सेट करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप सेट करते हैं, टॉप में इसको 0 लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये रहा डायल गेज, और अब हम चलते हैं इसको 0 करते हैं, ये हो गया 0। और इसका जो प्रेशर है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर है 5 एम पे, ठीक है दोस्तों, इसका प्रेशर 5 एम पर रखा हूँ, और इसको 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ मूव कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और ये भी हमको ध्यान रखना है, जिस तरह से इसका एरो दिया, देख सकते हैं आप, इस डिजाइन से इसका रोटेट है, जिधर इसका रोटेशनल आएगा उसी साइड में इसको रोटेट करते हुए हमको चेक करना है, ठीक है ना। तो हमारा रोटेशनल जो एरो मार्क है वो इधर से दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अब इसको 90 डिग्री पे हम लेकर जाएंगे इसको, तो ये रहा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे आपको हम यहाँ पे जो रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे जो रीडिंग आ रहा है वो 0.5, ठीक है दोस्तों, 0.5, और ये माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ये 0.5 माइनस में आ रहा है, तो हमको यह कपलिंग जो है इधर माइनस में है, इस साइड में माइनस है और इधर में प्लस, तो हमको इस साइड से थोड़ा सा यानी 0.2 इसको पुश करना है, ठीक है ना। तो हमको 0.2 इधर से पुश करना है, तो हम ये पुश कर लिए दोस्तों, ठीक है ना, आप देख रहे हैं यह 0.2 पुश हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे कि 180 डिग्री पर लेकर चलेंगे, ठीक है। जब 180 डिग्री पर इसको लेकर जाएंगे, तो 180 डिग्री में हम देखेंगे रीडिंग हमारा कितना आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0.5 यह माइनस में है, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे, ये जो 0.5 है वो माइनस में है, और प्रेशर जो हमारा है वो भी हमारा 5 एम पे सेट किया हुआ है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि 270 डिग्री पे, ठीक है। तो 270 डिग्री पे रीडिंग हम चेक करेंगे, डिग्री में हमारा कितना रीडिंग आ रहा है, तो उस चीज को हम इसमें देखेंगे डायल गेज में, थोड़ा प्रैक्टिकली करके आपको वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना प्रैक्टिकल करके, और एक तो बात है कि साउंड इसका प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और बहुत सारा ठाई टू प्लांट में तो होते रहते हैं, देख आप लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ भाई लोगों का कहना था कि थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाइए, ठीक है।
तो प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यह जो है माइनस में है और माइनस में ये गया है दो डिवीजन, ठीक है, दो या तीन डिवीजन, तीन डिवीजन मान लीजिए, तीन डिवीजन ये माइनस में है, ठीक है दोस्तों, यह जो माइनस में है। तो अब हम क्या करेंगे कि और ऊपर में हम फिर जीरो डिग्री पे लेके आएंगे, तो जीरो डिग्री जो है हमारा ये माइनस में है, माइनस जीरो वन है, यानी एक डिवीजन से थोड़ा सा, एक डिवीजन में भी थोड़ा कम है, ठीक है। तो हम अब इसको रीडिंग को लिख लेंगे, इस रीडिंग को हम चौक से, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इसी फैन के जो केसिंग रहता है उसी के ऊपर मैं लिखता हूँ रीडिंग इसका। और सबसे पहले तो हमारा ऊपर में जो है ये जीरो कर दिया हूँ, जीरो करके इस टाइप से हमको रोटेशनल करना है, यानी राइट साइड रोटेट करना है। तो राइट साइड हम रोटेट करेंगे और फिर से आपको एक बार रीडिंग रिपीट करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो तो मैं रिपीट करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैं जीरो कर दिया हूँ, जो कि केसिंग के ऊपर मैं आपको स्केच बना के रखा हूँ उसको लिखने के लिए। रुक जाओ, अब देखिए हम 90 डिग्री पर लेकर गए हैं डायल गेज को, तो 90 डिग्री में हमारा आ रहा है 03, ठीक है दोस्तों। यह जो 03 है यह है माइनस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 03 माइनस 0.03, ठीक है, ये तीन डिवीजन है माइनस में, ठीक। हम फिर से अब 180 डिग्री पे इसको मूवमेंट करेंगे, थोड़ा ही चढ़ाइए, 180 डिग्री पे मूवमेंट करेंगे। तो हमारा 180 डिग्री पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो उस रीडिंग को हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 180 डिग्री पे जो है वह रीडिंग आया है 05, ठीक है, ये भी माइनस में है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको इस स्केच में बॉटम में लिखेंगे, यानी 180 डिग्री पे इसके लिखेंगे 0.05, ठीक है। और फिर से हम 270 डिग्री पे हम इसको मूवमेंट करके देखेंगे दोस्तों, तो 270 डिग्री पे हम इसको मूवमेंट किया, तो 270 डिग्री में भी हमारा माइनस में आ रहा है, और ये माइनस में कितना आ रहा है, दो डिवीजन, ठीक है, और प्रेशर भी हमारा 5 पे ही है, तो दो डिवीजन माइनस में है, ठीक है। तो इसको भी हम दो डिवीजन 270 डिग्री पे माइनस 0.02, ठीक है, तो ये माइनस में है और इधर भी माइनस में है, ठीक है। तो माइनस और माइनस में से, यानी माइनस 03 में से माइनस 2 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 0.01, ठीक है दोस्तों, 0.01 ये माइनस में बचेगा, ठीक है। और हम ये देख लेंगे यहाँ पे हमारा कितना है, माइनस में है, ठीक है। तो अब हम इसको 270 डिग्री से हम इसको उठा के लेके घुमा के लेके चलेंगे, 270 से हम फिर इसको मूवमेंट करेंगे अपना 0 डिग्री पे, ठीक है। तो 0 डिग्री में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 0 डिग्री में आपको दोस्तों जीरो वन से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो 01 से थोड़ा सा कम है, तो क्या है कि इसको मान लेते हैं हम 01 दोस्तों, ठीक है, तो ये भी माइनस में है, ठीक है ना। तो ये जो है टॉप में जो है वो रीडिंग है -01, ठीक है। तो -01 -0.01, ठीक है दोस्तों। और ये जो बॉटम वाला जो रीडिंग है ये भी माइनस में ही आ रहा है, तो माइनस 0.05 और
-0.01, यानी हमारा रीडिंग जो है यह है 0.04। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम नोट कर देंगे दूसरे साइड पे। जैसे कि आप, हम एक और स्केच बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे स्केच बना दिए दोस्तों। ठीक है, ये हमारा जो टॉप में है वो रीडिंग 0 है, और रोटेशनल जो है हमारा ये इस साइड से है, राइट साइड से। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो रीडिंग आ रहा है वह 0.03 माइनस में आ रहा है। ठीक है, -0.03 देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, और इस साइड में हमारा -0.01 है, 2 है। ठीक है, ये 0.02, और हमारा बॉटम में जो रीडिंग आ रहा था दोस्तों वह है -0.05। ठीक है, और इधर ऊपर में जब हम लेके गए, जब इसको ऊपर में आए हैं लेके, तो -0.01। ठीक है, तो यह क्या है दोस्तों कि ये रीडिंग जो है ये टॉलरेंस के अंदर है दोस्तों। ठीक है, यानी हमारा जो अलाइनमेंट है वह 100% ओके है दोस्तों। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसका फिलर गेज देखना है। ठीक है ना, तो फिलर गेज हमको इसको देखना है, तो देख पा रहे होंगे यह जो 85 है, तो 85 है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 80 का भी डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, 85 है, तो 85 हमारा क्लोज है, थोड़ा टाइट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 80 डालेंगे। ठीक है ना, तो ये रहा 80 का, देख सकते हैं आपको 80 का है, और 80 देख सकते हैं ये इजीली जा रहा है। ठीक है ना, ये जो हमारा जो 270 डिग्री पे जो चेक कर रहा हूँ दोस्तों, देख पा रहेंगे एकदम आसानी से जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फोर्स करने पे, और ज़्यादा भी फोर्स नहीं करना, नहीं तो मोटर का ये जो गैप है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप इधर भी देख सकते हैं ये जो है 90 डिग्री पे, ठीक है ना, ये 90 डिग्री में भी प्रॉपर है, और ये टॉप में भी देख सकते हैं ये भी सही है। ठीक है ना, ये टॉप में भी रीडिंग सही है, यानी ये जो अब हम देखेंगे 180 डिग्री यानी बॉटम में देखेंगे। ठीक है ना, तो ये रहा बॉटम, और बॉटम में भी हमारा रीडिंग सही आ रहा है, यानी क्या है कि अलाइनमेंट जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो गया, यानी सही हो गया है, और अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ग्रीसिंग वगैरह करा के इसको फाइनल फॉक्सअप कर देंगे। ठीक है, और इसका जो बेयरिंग है, बेयरिंग को थोड़ा लुब्रिकेट यानी ग्रीस करना है, इसको भी ग्रीसिंग कर दिया जाएगा दोस्तों। ग्रीसिंग करने के बाद से फाइनल बॉक्सअप कर दिया जाएगा, और यह रीडिंग को चेक करा दिया जाएगा। ठीक है, तो होप कि यह वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि अगला वीडियो मैं आपको कुछ सेफ्टी के विषय में आपको बताने वाला हूँ, जो कि अगला वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच।